गैस मेरे पास है Redmi की तरफ से ब्रांड न्यू स्मार्टफोन Redmi Note 12। तो आप यहां पर देख सकते हो आज इस वीडियो में इसका कुछ हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक्स अब लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे कि जो फोन आता है सेंटर कंसोल के साथ और सेंटर कंसोल के आसपास में एक लाइट इफेक्ट दिखाई दे रहा है। कोई भी एक एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ ये जो लाइट है वो हर टाइम ऑन रहता है और देखने में काफी खूबसूरत लगता है। तो इस लाइट को मैंने कैसे ऑन किया, यहाँ पर आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट सेंसर में मैं टैप कर रहा हूँ, यहाँ पर कैलकुलेटर जो है खुलकर आ गया है। तो इस ऑप्शन को मैंने कैसे ऑन किया, अगर आपका फोन ऑफ है आप तुरंत कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो तो इस फोन में आप बहुत ही आराम से कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। तो ये सब कुछ फीचर्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो आप एंड तक जरूर देखते रहिए। ये जो फोन आता है एमोलेड डिस्प्ले के साथ, तो इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स देखने को मिल जाएगा। तो इसको ऑन करने के लिए आपको जाना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर थोड़ी सी स्क्रॉल करके आना होगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टैप करना है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखा देगा ये ऑफ है, इसको आपको ऑन कर लेना है। तो इसके बाद इसका स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, जैसे कि इस क्लॉक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका यहाँ पर कलर जो है इसको मैं सेट कर सकता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट का कलर भी आप यहाँ पर सेट करके यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर सकते हो। तो जब फोन लॉक होगा यहाँ पर लॉक स्क्रीन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शो हो जाएगा और देखने में काफी खूबसूरत लगता है, आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें फ्लोटिंग विंडोज का फीचर्स देखने को मिल जाएगा, आप किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडोज में ओपन कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पर रिसेंट बटन पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर फ्लोटिंग विंडोज दिखा देगा, यहाँ पर टैप करना होगा। मान लो यहाँ पर मैं गैलरी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, ओपन कर लिया, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर फोटो में क्लिक करके फोटो देख सकता हूँ। इसको मैं छोटा कर सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ तो, इसका स्क्रीन को और भी मैं छोटा कर सकता हूँ, यहाँ पर छोटा करके रख दिया, यहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ। इसको डिसेबल करने के लिए आपको ऐसे छोटा करना होगा, इसके बाद ऐसे स्क्रॉल करना होगा, ये डिसेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो जब मैं फिंगरप्रिंट पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर कैलकुलेटर खुलकर आ गया है। अगर आप चाहते हो तो किसी भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पर ऑन कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा सा आना होगा नीचे की तरफ और यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टैप करना है। यहाँ पर जेस्चर्स एंड शॉर्टकट्स दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टैप कर लेना है। यहाँ पर दिखाई देगा डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर, तो यहाँ पर टैप करने के बाद मैंने कैलकुलेटर को यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा हूँ। यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप डबल टैप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टॉर्च को ऑन कर सकते हो, कंट्रोल सेंटर को आप यहाँ पर ऑन कर सकते हो, नोटिफिकेशन देख सकते हो। तो आपकी मर्जी से आप कोई भी ऑप्शन को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। इस फोन में एक बहुत ही अच्छा फीचर्स देखने को मिल जाएगा, आप यूट्यूब का वीडियो को स्क्रीन ऑफ करके प्ले कर सकते हो। आप यहाँ पर देख लीजिए एक वीडियो प्ले हो रहा है, तो यहाँ पर साइड की तरफ आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर प्ले वीडियो साउंड विथ स्क्रीन ऑफ तो ऐसे दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको टैप करना है। इसके बाद कुछ सेकंड यहाँ पर टाइम लेगा, ओके ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आप ओके करके स्क्रीन को ऑफ करके म्यूजिक को प्ले कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख लीजिए म्यूजिक जो है प्ले हो रहा है। इसको ऑफ करने के लिए आपको स्क्रीन को ऑन करना है, आपको अनलॉक कर लेना है, तो इसके बाद ये जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप यूट्यूब पर ज्यादा म्यूजिक सुनते हो तो आपके लिए ये जो फीचर्स है बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। इसमें ऐप लॉक का फीचर्स देखने को मिल जाएगा, आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर लॉक लगा सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर एप्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर ऐप लॉक दिखा देगा क्लिक करना है और यहाँ पर टर्न ऑन कर लेना है। पासवर्ड वगैरह आपको सेट करना होगा, उसके बाद आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर लॉक लगा सकते हो। इस फोन में डुअल ऐप का फीचर्स देखने को मिल जाएगा, आप किसी भी एप्लीकेशन को डुअल करके इस डिवाइस में आप यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर एप्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर डुअल एप्स दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टैप करना है, यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करना होगा। जो जो ऐप डुअल ऐप को सपोर्ट करेगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा, उसको आप डुअल करके इस डिवाइस में आप यूज कर सकते हो, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन है आपको दिखाई देगा, आप इसको डुप्लीकेट करके इस डिवाइस में यूज कर सकते हो। मान लो आपका फोन ऑफ है, आप तुरंत कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो तो इस फोन में एक शॉर्टकट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मैं यहाँ पर तुरंत कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। दोस्तों इस फीचर्स को ऑन करने के लिए आपको जाना होगा सीधा यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर थोड़ी सी स्क्रॉल करके आना होगा एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर और यहाँ पर जेस्चर्स एंड शॉर्टकट्स दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको टैप करना है। यहाँ पर दिखाई देगा लॉन्चर कैमरा दिखाई देगा, यहाँ पर दो ऑप्शन के जरिए आप ऑन कर सकते हो, जैसे कि डबल प्रेस वॉल्यूम डाउन बटन हो एन स्क्रीन इज लॉक्ड, तो यहाँ पर दिखाई देगा इसको मैंने ऑन करके रखा हो। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर डबल प्रेस पावर बटन करके भी आप यूज कर सकते हो। इस फोन में बहुत सारा नोटिफिकेशन लाइट इफेक्ट्स रहने वाला है, अगर आप इसको ऑन करना चाहते हो तो आपको जाना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर थोड़ी सी स्क्रॉल करके आना होगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टैप करना है। नोटिफिकेशन इफेक्ट्स दिखाई देगा, यहाँ पर ब्लू कलर है, रेड कलर है और यहाँ पर स्टार लाइट दिखाई देगा, तो आपकी मर्जी से आप यहाँ पर चूज करके यूज कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो मैं जितनी बार फोन को लॉक कर रहा हूँ हर बार लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर जो है चेंज हो रहा है। ये जो ऑप्शन है ये डिफॉल्ट ऑन नहीं रहता है, इसको ऑन करने के लिए आपको जाना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ
और यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्क्रॉल करके यहाँ पर आना होगा सीधा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन के ऊपर टैप करना होगा और यहाँ पर आपको आना होगा ग्लांस फॉर एमआई दिखाई देगा, तो इसको आप टर्न ऑन कर लीजिए। यहाँ पर ग्लांस इमेज का कैटेगरी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारा कैटेगरी है। जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गए हर बार यहाँ पर वॉलपेपर जो है चेंज होता रहेगा। फोन में रहने वाला है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, लेकिन ये डिफॉल्ट ऑन नहीं रहता है। इसको ऑन करने के लिए आपको जाना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर आपको आना होगा डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करना है। थोड़ी सी स्क्रॉल करके यहाँ पर नीचे की तरफ आना होगा और यहाँ पर देखा देगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट। यहाँ पर क्लिक करने के बाद डिफॉल्ट पर यहाँ पर सिलेक्ट है, लेकिन आपको कस्टम पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर 60 हर्ट्ज है, इसको आप 120 हर्ट्ज पर सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जब आप स्क्रॉल वगैरह करोगे यहाँ पर स्क्रॉलिंग में जो स्मूथनेस है आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं सेंटर कंसोल के आसपास में जो लाइट दिखाई दे रहा है जो हार्ड टाइम ऑन रहता है, कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ हार्ड टाइम ऑन रहता है। तो इस लाइट को मैंने कैसे ऑन किया, इस लाइट को ऑन करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक्स को अप्लाई करना होगा। तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, एक एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा जिसका नाम रहने वाला है रिंग रिंग एप्लीकेशन। बहुत ही छोटी एमबी का एप्लीकेशन है लेकिन बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आप सीधा आ जाओगे इसका होम स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर आने के बाद एक बटन दिखाई देगा, इसको आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद एक सर्किल आ जाएगा, इस कंट्रोलर के जरिए आपको सेंटर कंसोल के आसपास में लेकर आना होगा। ऊपर की तरफ जो बार है इसको अप एंड डाउन करके आप सर्किल को छोटा बड़ा कर सकते हो। तो आप अच्छी तरीके से कस्टमाइज करिए, जितना अच्छी तरीके से कस्टमाइज करोगे उतना खूबसूरत दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर कलर के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर सिंगल कलर को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कलर के ऊपर क्लिक करने के बाद RGBA दिखाई देगा, इसको अप एंड डाउन करके आपका मनपसंद कलर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा मनपसंद कलर को मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्ट करने के बाद हैच के बाद एक कोड आने वाला है, इस कोड को आपको क्या करना होगा यहाँ पर कॉपी करना होगा। इसके बाद यहाँ पर राइट ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना होगा। आउटर रिंग कलर दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टैप करना है। यहाँ पर हैच के बाद जो कोड आपने कॉपी किया था यहाँ पर आकर आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करना होगा, आपका काम जो यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये जो लाइट है वो हार्ड टाइम ऑन रहेगा और दिखने में काफी खूबसूरत भी लगता है। कोई भी एक एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए यहाँ पर लाइट जो है ऑफ नहीं होता है। अगर आप इस फीचर्स को यूज करना चाहते हो मेरा डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। इस फोन में वन हैंड मोड का फीचर्स देखने को मिल जाएगा, आप आराम से वन हैंड मोड में फोन को यूज कर सकते हो। आप यहाँ पर देख लीजिए ये जो फीचर्स है डिफॉल्ट ऑन नहीं रहता है, इसको ऑन करने के लिए आपको जाना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर थोड़ी सी स्क्रॉल करके आपको आना होगा एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वन हैंड मोड। तो इसको आप ऑन कर लीजिए। अब यहाँ पर होम बटन से यहाँ पर रिसेंट बटन पर जैसे आप स्वाइप करोगे यहाँ पर वन हैंड मोड में फोन जो है ओपन हो जाएगा। इस फोन में आपको वाईफाई टेथरिंग का फीचर्स देखने को मिल जाएगा, आप सेम टाइम में वाईफाई एंड हॉटस्पॉट को आप यहाँ पर ऑन कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए मेरा वाईफाई जो ऑन है, तो यहाँ पर हॉटस्पॉट को मैं ऑन कर लिया फिर भी वाईफाई जो है डिसेबल नहीं हुआ है। तो इसके जरिए क्या होगा, आपका वाईफाई का पासवर्ड को ना शेयर करके इस डिवाइस के जरिए दूसरा कोई डिवाइस को आप इंटरनेट शेयर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इस फोन में डिफॉल्ट इंटरनेट स्पीड मीटर है लेकिन ये ऑन नहीं रहता है, इसको ऑन करने के लिए आपको जाना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के ऊपर क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना होगा, स्टेटस बार दिखा देगा, यहाँ पर आपको टैप करना है और यहाँ पर दिखाई देगा सो कनेक्शन स्पीड, तो इसको आप ऑन कर लीजिए। जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाओगे तो यहाँ पर स्टेटस बार में कितना स्पीड दे रहा है वो यहाँ पर शो होता रहेगा। आप फोन को लॉक या अनलॉक करने के लिए पावर बटन को ज्यादा इस्तेमाल करते हो, लेकिन यार इस फोन में एक शॉर्टकट रहने वाला है। तो आप यहाँ पर होम स्क्रीन में डबल टैप करके फोन को लॉक कर सकते हो और यहाँ पर लॉक स्क्रीन में डबल टैप करके फोन का लाइट को तुरंत वाइक अप कर सकते हो और फेस अनलॉक के जरिए आपका फोन जो है अनलॉक हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टैप करना है, थोड़ी सी स्क्रॉल करके आना होगा और यहाँ पर इस ऑप्शन को आप ऑन कर लीजिए। इस फोन में नया वर्सन कंट्रोल सेंटर रहने वाला है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपको ये कंट्रोल सेंटर अच्छा नहीं लगता है, इजी टू यूज नहीं लगता है, तो आप कंट्रोल सेंटर को चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर आपको आना होगा नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर स्टाइल दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टैप करना है। यहाँ पर आप ओल्ड वर्सन में कंट्रोल सेंटर को यूज कर सकते हो, जैसे पुराना Redmi फोन में था तो आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। इस फोन में स्क्रीनशॉट लेने का बहुत सारा तरीका है, जैसे कि आप वॉल्यूम का डाउन बटन और पावर बटन को प्रेस करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसी के साथ आप यहाँ पर थ्री फिंगर को डाउन करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो फीचर्स है ये डिफॉल्ट ऑन नहीं रहता है, इसको ऑन करने के लिए आपको जाना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर थोड़ी सी स्क्रॉल करके आपको आना होगा सीधा एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जैसा शॉर्टकट्स, तो यहाँ पर आपको टैप करना है।
यहाँ पर टेक स्क्रीन शॉट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन को आप यहाँ पर ऑन कर लीजिए। फोन में डिफॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर्स देखने को मिलता है, जो यहाँ पर ऊपर की तरफ इसका शॉर्टकट देखने को मिल जाएगा। इसको टैप एंड होल्ड करके रखोगे तो सीधा आ जाओगे इसका सेटिंग्स की तरफ। यहाँ पर आप पहला रेजुलेशन को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें आप फुल HD में स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो, वीडियो का क्वालिटी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर साउंड का सोर्स आप यहाँ पर कैसे लेना चाहते हो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करना बहुत ही ईजी है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर टैप करना होगा। यहाँ पर एक बार खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर टैप करने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है तुरंत ऑन हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसको ऑफ करने के लिए यहाँ पर आपको टैप करना होगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है ऑफ हो जाएगा और आपका फोन प्राइवेट हो जाएगा। आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया है। तो ये तो था कुछ फीचर्स जो इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर सकते हो, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसे वीडियो देखने के लिए।